Hey guys, welcome to our new vlog और आज हम आए हैं स्टैनली पार्क। तो आज हम 10 किलोमीटर का लूप करने वाले हैं बाइक पे और इसके साथ साथ हम यहाँ के अट्रैक्शन भी दिखाएंगे जैसे कि 9 o'clock गन लाइट हाउस एंड टोटम पोल्स। और एंट्रेंस के पास ही आपको शोगो की बाइक्स मिल जाएगी जो आप रेंट कर सकते हो। और हमारे बिल्कुल सामने है डाउनटाउन ऑफ वैंकूवर। तो ये है 9 o'clock गन जो रात के 9 बजे फायर होती है। सो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके अंदर से कोई गोली बारूद नहीं निकलती बल्कि निकलता है सिर्फ गन पाउडर। सो अगर आप लोग डाउनटाउन एरिया में हो और आपको गन शॉट सुनाई देता है तो अपनी घड़ी चेक कीजिएगा, 9 बजे होंगे। सो गाइस, अभी हम अपने दूसरे चेक पॉइंट पे जा रहे हैं, बहुत ही नज़दीक है यहाँ से, तो वहाँ जाके मिलते हैं। सी या। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने सेकंड चेक पॉइंट पे जो है लाइट हाउस, जो 9 o'clock गन से बहुत ही नज़दीक है और हमारे पीछे है नॉर्थ वैंकूवर और बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है। अगर आप लोग सनी डे में यहाँ पे आ रहे हो तो थोड़ा देर ज़रूर गुजारिएगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छी ठंडी हवा चलती है और बहुत ही सीनिक व्यू है। एक और चीज़ यहाँ पे है लाइट हाउस चेक पॉइंट की कि आपको दिख सकता है लायंस गेट ब्रिज जो वैंकूवर में बहुत ही फेमस है सीनिक व्यूज़ के लिए, नॉर्थ वैंकूवर पूरा का पूरा। सो बहुत ही अच्छा पॉइंट है और आप नीचे भी यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टोटेम पोल्स और उसके बाद हम जाएंगे लायंस गेट ब्रिज जो पीछे है हमारे। सो स्टे ट्यून्ड। और मेरे पीछे है स्टैनली पार्क के फेमस टोटेम पोल्स। और एक और ख़ास बात, ये जो सारे टोटेम पोल्स हैं वो हैंड क्राफ्टेड है जो इसको और भी ख़ास बनाते हैं। अच्छा,
सो मानसी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस, अभी हम अपने फोर्थ चेकआउट पॉइंट पे आ चुके हैं, जो कि है लायंस गेट ब्रिज। यहाँ पर हमने अपनी आधी जर्नी फिनिश कर दी है। आधी तो नहीं कह सकते, बट होपफुली नज़दीक ही है आधी से। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। लायंस गेट ब्रिज है सामने, वेस्ट वैंकूवर है। थोड़ी देर बैठेंगे हम यहाँ पे और फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो हम अभी आ चुके हैं अपने फिफ्थ चेक पॉइंट, जो है थर्ड बीच। बहुत ही अच्छा बीच है यहाँ पे। और जो आपको ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये है थर्ड बीच से। बहुत ही सुंदर बीच है। सो गाइस, अभी हम अपने सिक्स्थ चेक पॉइंट पे आ चुके हैं, जो है सेकंड बीच। जो आप देख रहे हो 8 किलोमीटर का मार्क है। हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी यहाँ से। सो ये है 9 o'clock गन लाइट हाउस। फिर यहाँ से बहुत ही लंबी हमारी राइड थी लैंडस्केट ब्रिज। वहाँ से हम आए थर्ड बीच, जो हमारी लास्ट चेक पॉइंट था। और अभी हम हैं सेकंड बीच, जो हमारी सेकंड लास्ट चेक पॉइंट है। 8 किलोमीटर का गोल है। अभी हम यहाँ से अंदर नहीं जा रहे, लूप नहीं कर रहे, हम जा रहे इंग्लिश पे बीच। 1 किलोमीटर दूर है, तो वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। वहाँ से हम अच्छा सनसेट देखेंगे और वीडियो का एंड करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। और इंग्लिश पे बीच के पास बहुत सारे ऐसे प्ले ग्राउंड है, जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ बहुत सारे बड़े बच्चे भी एंजॉय करते हैं बीच का। सो बहुत ही अच्छी जगह है, हैपनिंग जगह है। इफ़ यू आर इन वैंकूवर इन समर, आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोग यहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो है इंडस बे बीच। फाइनली हमारी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई। और यहाँ पर हमने 9 किलोमीटर साइकिलिंग कंप्लीट की है। ये सो वेल डन फॉर मानसी। और अच्छा सनसेट है अभी हमारे सामने। सो उसी का हम लुत्फ उठा रहे हैं। सो इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। सो अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, वो क्लिक कर दो प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट चाहिए हमें। थैंक यू सो मच।